आप सभी लोगों का मेरे मेफ्टीवी और यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैमपे के टॉपिक पर। फैमपे का मुझे हर दिन बहुत ज्यादा कमेंट आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूं कि आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। मुझे हर दिन फैमपे का बहुत सारा कमेंट आता है, हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फैमपे के अंदर, तो इसी वीडियो में मैं आप सभी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मुझे कमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको और दूसरे यूट्यूबर्स को भी कमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। मुझे एक कमेंट आया था ऐसा जो आप लोग सुनकर हंसोगे जरूर। मुझे एक यहाँ से राजवीर जी ने कमेंट किया था राजस्थान से, उन्होंने बोला कि मेरा एज 14 इयर्स है, मैं केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ फैमपे का। मैंने बोला भाई स्क्रीनशॉट अपना भेज दो, तो स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजने के बाद मैं क्या देखा, वो जो डेट ऑफ बर्थ था फैमपे के अंदर उसमें था 2007 था, और जो आधार कार्ड का वो फोटो भेजे मुझे, आधार कार्ड में उनका एज था 1995 था, तो बहुत ज़्यादा एज था। क्यों, आधार कार्ड में हर कुछ लिंक रहता है, फ़ोन नंबर लिंक रहता है और एज भी लिंक रहता है, अगर दोनों जगह सेम एज रहता तो हो जाता है। हर यूट्यूबर एक ही बात बोलता है और फैमपे ने खुद बोला कि टीन एज यूजर्स के लिए फैमपे 18 प्लस से ऊपर नहीं 17 तक ही है लास्ट, मगर 18 प्लस का भी होता है। मेरा एज 18 प्लस है और मैंने भी फैमपे का केवाईसी कंप्लीट किया है। मेरा जो एज डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में 19 ईयर्स है, और यहाँ पर भी मैं फैमपे में 19 ईयर्स डाला और आधार कार्ड का नंबर डाला, वो कंप्लीट हो चुका, दोनों मैच हो चुका, मगर उनका क्या प्रॉब्लम था, डेट मैच नहीं होने के कारण वो उन्होंने अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर डालता मगर वो रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। मैंने पूछा आपका तो नहीं है एज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे मामा का है, तो मैंने बोला कि सेम करो अगर डेट ऑफ बर्थ तो ही आपका ये प्रोसेस हो पाएगा। तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि सीधा आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। यूट्यूबर्स को अगर आप कॉल करते हो या कमेंट करते हो तो वो जरूरी नहीं कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी बता सकता है, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट ही बताता हूँ। हो सकता है कि मैंने भी आपको कभी रॉन्ग बता दिया होगा, मगर मुझे ज़्यादा जानकारी है फैमपे की कि मैं मुझे हर कुछ मालूम, इसके वजह से आप अगर मुझे कमेंट करते तो मैं अगर देखता हूँ तो आपको रिप्लाई दे देता हूँ, तो वो सही होता है। अगर नहीं दे पाता हूँ तो आप लोग सोचते होंगे कि बहुत एटीट्यूड है और बहुत घमंडी हो चुका है जिसके वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता। मुझे और भी दूसरे बहुत काम है जिसके वजह से मैं बिजी हो जाता हूँ, जो आपको रिप्लाई नहीं दे पाता, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जब भी देखता हूँ रिप्लाई, आप खुद देखे होंगे कि मैंने आपको रिप्लाई ज़रूर दिया है। तो ऐसा मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, सीधा आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो एवरीथिंग, और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मुझे 2 दिन पहले कॉल भी आया था फैमपे से कि आप सेमिनार को आओ बेंगलोर में, मैंने यहाँ शिवाजी नगर गया था और वहाँ बेंगलोर के ये ऑनर हैं जो फैमपे के डायरेक्टर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और सेमिनार में बहुत सारे लोग थे और उन्होंने बोला कि ये जो फैमपे कैसे चाइल्ड तक पहुंचाना और इंडिया भर में इसको फैलाना है, हर जगह इसकी, उन्होंने ये भी बोला हर जगह इसकी सर्विस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि हर आदमी को सुविधा और डिलीवरी कार्ड जल्दी समय पर हो। तो मैं आज आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप चैट कर सकते हो, तो ज़रूर देखना आप चैट करके अपना हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आज आपको लेके चलता हूँ, तो स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ। फैमपे में आना, एक स्टिकर आपको दिख रहा था घंटी के बाद जो उसको दबाना है, और देखिए एक सेटिंग का आइकन था उसको दबाने के बाद नीड हेल्प आ जाता है, इसमें जाना है नीड हेल्प में, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, कुछ सेकेंड आपको टाइम लगेगा। देन आपका यहाँ पर देखिए पीपल ऑल्सो आस्क्ड को ऑप्शन आता है, उसको उसके कॉन्टेक्ट अस को क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर है
और देखिए फ़ोन भी आप कर सकते हो कस्टमर केयर से, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। ईमेल भी कर सकते हो, देखिए ईमेल का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, फेसबुक का ऑप्शन है, बहुत सारे ट्विटर और भी ब्लॉग, बहुत सारा यहाँ पर फीचर दिया गया कि आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रांजैक्शन का बता देता हूँ कितना मेथड है। देखिए पेमेंट है, कैश विथड्रॉल है, एड मनी का फ्यूचर है, हर यहाँ पर फ्यूचर दिया गया है। और ये जो देखिए एटीएम, इसका जो कार्ड होता है ना वो एटीएम मशीन में भी वर्क करेगा, आप पैसा को विथड्रॉल कर सकते हो। अपना ये फैमपे का कार्ड किसी भी एटीएम में वर्क करेगा, आप लेके जाओ और पैसा को निकाल सकते हो एटीएम से। तो बहुत सारा फ्यूचर इसके अंदर है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो और कंटेंट अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन और प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो लोग को मालूम नहीं होगा उन लोग को भी ये वीडियो पहुंचा दो, उनका प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दो। तो मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।